हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवालों की जो श्रृंखला चल रही थी, 1500 से लगभग 2000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जितने भी सवाल थे इसमें सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। तो हम लोग लगभग आधे 1500 से 2000 के जो प्रश्नों की श्रृंखला की आधी श्रृंखला कर चुके हैं। लगभग हम लोग 800-900 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं। आगे जो 800-900 क्वेश्चन अभी और बचे हैं उसको भी जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो आपको भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको भील जनजाति की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति आपको नीलगिरी की पहाड़ी पे निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ी पे टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु वाला जो नीलगिरी का पहाड़ी है उसी तरफ जो है ना आपको टोडा जनजाति आपको निवास करती है। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी के। अंडी और ओगुरो तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो आपको ओगुरो तीपी और जो अंडी है उस नाम से प्रचलित विवाह जो है वो खो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपको खो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यहाँ पे मतलब ओपरोतिपी का मतलब होता है अपहरण करके विवाह करना। क्या करना? ठीक है, अपहरण करके विवाह करना, अपहरण द्वारा विवाह करने की जो प्रथा है वो आपको खो जनजाति में है, जिसे हम लोग आपको इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ओपरोतिपी जो आपको विवाह है, ओपरतिपी का मतलब होता है अपहरण के द्वारा विवाह। तो ये प्रथा आपको किस में है? खो जनजाति में आपको पाई जाती है। ठीक है, तो अपहरण के द्वारा जो विवाह की प्रथा है वो खो जनजाति में पाई जाती है। अब देखिएगा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? मतलब एक से ज्यादा जो पति रखने की प्रथा होती है उसको बहुपति विवाह कहते हैं। और आपको वैसी प्रथा जिसमें आपको एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा होती है उसको हम लोग बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो यहाँ पे बहुपत्नी मतलब आपको एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा होती है वो कौन जनजाति आपको जो है ना उस प्रथा को मानता है? तो टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में आपको बहुपति विवाह की प्रथा आपको मानता है। जो टोडा जनजाति है वो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। यही टोडा जनजाति जो आपको नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये कौन सा? ये जो आपको सरहुल त्योहार है वो कहाँ पे मनाई जाने वाली त्योहार है? झारखंड में। और सरहुल त्योहार को कौन मनाती है? उराव जनजाति मनाते हैं। कौन से जनजाति मनाते हैं? उराव जनजाति जो है वो सरहुल त्योहार को मनाते हैं। ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। करमा का नाम सुना होगा, सरहुल, ये सारे के सारे झारखंड में मनाए जाने वाले त्योहार है। देखिए, सरहुल त्योहार के बारे में जो है ना आप लोगों को मैं बता दूं तो ये झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ठीक है, ये सारी की सारी जनजातियां जो है आपको सरहुल त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, सरहुल में जो है ना वृक्षों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आपको हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह के चैत में मनाया जाता है ये त्योहार। कब मनाया जाता है सरहुल त्योहार? चैत में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का जो पहला माह होता है चैत, वो उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो चैत है उसमें आपको ये त्योहार मनाया जाता है। तो हमने देखा कि सरहुल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो झारखंड क्षेत्र में। कौन कौन सी जनजाति? उराव, मुंडा, हो, ये सारी की सारी जनजातियां आपको जो है ना सरहुल त्योहार को मनाती हैं। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला माह होता है उसमें मनाया जाता है, चैत माह में जो है ना ये त्योहार मनाया जाता है। सरहुल में जो है ना वृक्षों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? वृक्षों की जो है ना आपको
पूजा की जाती है, इससे पता चल जाता है कि ये जो उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, वो जनजाति है जो कि सरहुल को त्योहार को मनाती है, वो आपको आपको प्रकृति के समीपता को दिखाता है, प्रकृति के आपको निकटता को दिखाता है। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं एक जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है, वो कौन सी जनजाति है। तो सरहुल अभी हम लोग ने देखा मुंडा, उरांव, ये सब के सब जो है ना, आपको मैंने क्या क्या बताया था आपको, हो ठीक है, मुंडा, उरांव, ये सब जनजाति आपको कौन सा त्योहार मनाती है, तो सरहुल त्योहार मनाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा। ये मुंडा जनजाति जो है ना, बहुत सारे आप लोगों ने कर्मा का नाम सुना होगा, ये कर्मा त्योहार जो है, आपको सोहराई का नाम सुना होगा, तो ये कर्मा, सोहराई, सरहुल, ये सब जो है ना आपके प्रमुख त्योहार हैं जो कि आपको झारखंड क्षेत्र में मनाए जाते हैं, और कुछ कुछ बिहार के साउथ वाला एरिया, बिहार का जो साउथ बिहार है मतलब दक्षिणी बिहार में भी आपको कर्मा ये त्योहार मनाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सरहुल त्योहार जो है ये कर्मा त्योहार है, ये आपको किनके द्वारा मनाया जाता है, तो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके साथ साथ एक और चीज देखा कि सरहुल जो त्योहार है वो झारखंड में मनाया जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आपको सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। ये उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ये जनजाति आपको कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमने देखा कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है, यही थारू अनुसूचित जनजाति है, जो कि दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। तो दिवाली को शोक के रूप में जो है ना, शोक के त्योहार के रूप में मनाई जाने वाले पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपको इसका उत्तर क्या होगा, थारू जनजाति, जो कि उत्तराखंड में निवास करती है। आगे की ओर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपको हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे बिहू असम में आपको जो है ना सुमेलित है, ठीक है, ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम, केरल में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, ओणम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग पता कर लेते हैं आगे क्या क्या है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है, बिल्कुल सही। बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है, बिल्कुल सही। बिहू असम में मनाया जाने वाला त्योहार है, बिल्कुल सही। ओणम जो है ना आंध्र प्रदेश में ना मना करके हम लोग केरल में मनाते हैं। आगे की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमारे पास है आपको कुछ, आपको जो है ना लिस्ट दिए हुए हैं जिसको जो है ना जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा सुमेलित है उसको पहले देख लीजिए, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको जो है ना कौन सुमेलित नहीं है। गोवा में कोंकणी, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो गोवा का जो है ना मुख्य भाषा क्या है, कोंकणी। मेघालय का खासी, मेघालय में खासी जनजाति भी पाई जाती है, मेघालय में जो है ना आपको खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं आपको, मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब के सब जो है ना आपको जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, मेघालय की ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। कहाँ की जनजातियां हैं, तो मेघालय की। तो हम लोग के पास क्वेश्चन ये है कि आपको मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो खासी जनजाति पाई जाती है, और खासी भाषा भी वहां पे बोली जाती है। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, नागालैंड का मुख्य भाषा जो है ना अंगामी है, बिल्कुल सही है। तो सिक्किम का कौन सा भाषा है, सिक्किम में जो है ना तिब्बती नहीं बोला जाता है, सिक्किम में का जो है ना नेपाली बोला जाता है, सिक्किम में ज्यादातर नेपाली बोला जाता है। और लेपचा, वहां की जो लेपचा जनजाति भी रहती है, और लेपचा वहां की क्या है, भाषा भी है। क्या, लेपचा, लेपचा जो है ना वहां की भाषा भी है, और लेपचा वहां की क्या है, जनजाति भी है। तो आपको सिक्किम में जो है ना तिब्बती ना बोल करके यहाँ पे नेपाली बोला जाता है, भुटिया भी बोला जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ लेपचा भी बोला जाता है। अतः ये वाला जो है ना पार्ट आपको सुमेलित नहीं है, ये तीनों के तीनों जो है ना सुमेलित है, इसलिए सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सिक्किम वाला हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम में जो है ना आपको तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, सिक्किम में नेपाली और लेपचा भाषा बोली जाती है, ठीक है। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, अभी हम लोग देखें कि जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो भील जनजाति है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी जो है ना प्रांतों में ज्यादातर पाई जाती है।
तो भील जनजाति कहां पे पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में होता तो मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में जो है ना। लेकिन ऐसे सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गोंड पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भील जनजाति जो है ना आपको कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। हमारे पास आपको जोड़ी मिलाने का जो है ना ऑप्शन दिया गया है, भील जनजाति, ठीक है, लेपचा, अभी जस्ट देखा लेपचा कहाँ पे? सिक्किम में। लेपचा कहाँ पे? संथाल कहाँ पे? झारखंड में। संथाल कहाँ पे? ठीक है, संथाली जो आपको जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। तो अभी जो है भील जनजाति को हम लोगों ने देखा तो भील राजस्थान में भी पाई जाती थी। भील कहाँ पे पाई जाती थी आपको? राजस्थान में भी पाई जाती थी। तो इस तरह से हम लोग को इतना ही में, अब राजी जो है ना आपको उत्तराखंड, राजी कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? राजी से मुझे याद आ गया, राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क ऐसे भी याद कर लीजिएगा, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो आपको राजी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में। देख लीजिए भील जनजाति कहाँ पे, तो हमने देखा राजस्थान में, मतलब एक का फर्स्ट, एक ही में है ही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी चार, एक का चार, तो आपको एक गया ये गया तो ठीक है। अब उसके बाद संथाल जनजाति झारखंड में, मतलब बी का तीन, मतलब आपको ए वाला आपको बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी में क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है। तो ये आपको आगे देखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने देखा कि भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। संथाल कहाँ पे? झारखंड में। राजी जो है ना वो आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में। और लेपचा जनजाति जो है ना आपको कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लेपचा जनजाति सिक्किम में। लेपचा जो है ना आपको वहां की सिक्किम की भाषा भी है, वहां के लोग जो सिक्किम के हैं वो भुटिया, नेपाली और लेपचा भाषा बोलते हैं। हम लोग देख रहे हैं आगे, हमारे पास फिर से जोड़ी मिलाना है। हमारे पास क्वेश्चन है टोडा जनजाति, मैंने अभी बताया था तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। लेपचा की अगर मैं बात करूं, लेपचा सिक्किम, सिक्किम की यह जनजाति है लेपचा, ठीक है। अब उसके बाद गारो खासी जयंतिया, ये तीनों के तीनों मैंने बताया था मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये आपको तीनों के तीनों मेघालय में पाई जाने वाली आपको जनजातियां हैं, ठीक है जयंतिया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं बिरहोर, एक बचा तो बिरहोर कहाँ पे हो जाएगा आपको? झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, लेपचा सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति, बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति, और आपको गारो मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति। हम लोगों ने देखा टोडा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु में पाई जाने वाली, मतलब ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो आपको ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेपचा सिक्किम में पाई जाने वाली, सिक्किम की भाषा भी लेपचा है, तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मतलब आपको ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिरहोर झारखंड में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, आगे की ओर सहरिया जनजाति जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी है? सहरिया जनजाति वो राजस्थान की पाई जाने वाली जनजाति है, ये आपको सहरिया जनजाति राजस्थान क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। हमारे पास अगला फिर से प्रश्न है कि जोड़ी मिलाना है, तो जौनसारी, जौनसारी ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। जौनसारी कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। संथाल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति, भील मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, लेपचा सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति। तो हम लोग देखते हैं डी का फोर, डी का फोर जो है ना केवल पहला और दूसरा में है, मतलब सी और डी कट जाता है। यहाँ पे जौनसारी कहाँ पे? उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति, तो ए का थर्ड, मतलब आपको सिंपल सा अर्थ है कि आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी आपका आंसर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित है। अगला प्रश्न ये है कि आपको ये जैसे दिया हुआ है मोपला, तो मोपला की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये मोपला केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। मोपला कहाँ पे? केरल में पाई जाने वाली। टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। थ्री का बी होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को जो है ना काटना सीखना है। थ्री का बी मतलब जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना थ्री का बी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसलिए आपको तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं, आगे करने की जरूरत भी नहीं थी। खैर हम लोगों ने देखा पहला मोपला का जो है ना आपको केरला में पाई जाती है ये जनजाति, ठीक है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि ये जो मुरिया है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है, मुरिया आपको छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाने वाली जनजाति है, और मुंडा आपको उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजाति है, मुंडा उड़ीसा और झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इस तरफ से हम लोगों ने देखा मोपला केरला में आएगा, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु, और आपको मुंडा उड़ीसा झारखंड के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे, जारवा जनजाति जो है वो आपको कहाँ पे निवास करती है, तो जा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिया हुआ है, तो मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार में जो है ना जारवा जनजाति निवास करती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, तो ओंजे और जारवा दोनों के दोनों आपको कहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति है, आपको अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में सोम्पेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। ओंजे की बात हमने किया अभी, ठीक है, उसके साथ मैंने जारवा की बात करी, और उसके बाद साथ आपको सोमपिन जनजाति आपको कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है झूमिंग खेती कौन सा करता है, झूमिंग खेती है जिसको झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न कल्चर एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न या झूमिंग खेती, झूमिंग कृषि, झूमिंग जो खेती होती है वो किसके द्वारा करी जाती है, तो आपको खासी जनजाति द्वारा करी जाती है। ये खासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। मेघालय में पाई जाने वाली और जनजातियां कौन सी हैं, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये सब के सब आपको मेघालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। झूमिंग खेती कौन सी जनजाति करती है, तो खासी जनजाति आपको करती है, ये मतलब एक जगह से दूसरे जगह बदल बदल के जगह को आपको खेती जो करने वाली जनजाति है वो कौन सी है, आपको खासी जनजाति है। कत्था बनाने वाली जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, तो खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति है वो कत्था बनाती है, ठीक है। कत्था को खैर के नाम से भी जाना जाता है, कत्था को किस नाम से जाना जाता है, खैर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे खैरवार जनजाति के नाम, खैर बनाती है ये खैरवार जनजाति, इसीलिए इसको आपको खैर बनाने के कारण ही इसको खैरवार जनजाति भी कहा जाता है। तो कत्था कौन सी जनजाति बनाती है, खैर, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, तो हलाम नोटिया और जनजाति, हलाम नोटिया जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। हलाम और जो नोटिया जनजाति है वो त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है। हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, त्रिपुरा। हमारे पास फिर से जो है ना आपको जोड़ी मिलाने के लिए है, तो आपको ठीक है जोड़ी मिलाते हैं। गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। टोडा जनजाति हमने बताया तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी तरफ पाई जाने वाली ये जो जनजाति है वो कौन सी है, टोडा। खासी मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है, और नागा मणिपुर में जो है ना पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। नागा कौन से, मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। नागा से आप लोग नागालैंड तरफ भी मतलब जो है ना थोड़ी मोड़ी जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये देख सकते हैं गद्दी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी आपको मेघालय, और नागा मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। जो आपको इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है उसको आप मैच कर लीजिए, फर्स्ट का सेकंड, सिर्फ और सिर्फ आपको डी ऑप्शन में है, अतः सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, गोदना गोदने वाली जो टैटू होती है, वो टैटू गोदने वाली जो जनजाति है वो ओझा जनजाति है। ओझा आपको एक ऐसी जनजाति है जो आपको गोदना गोदने के काम करती है, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन सी है, ओझा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। भरमौर जो जनजाति है वो आपको हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है,
भरमौर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक और जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गद्दी। गद्दी क्या? गद्दी जनजाति भी जो है ना आपको कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और उसके साथ साथ भरमौर जनजाति भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर से जोड़ी मिलाने का हम लोग के पास ऑप्शन आ गया है, तो देखते हैं यहाँ पे अंगामी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो अंगामी जनजाति नागालैंड दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है, तो अंगामी नागालैंड सही है, ये वाला सही है, मतलब सुमेलित है। बिरहोर जनजाति ये भी आपको झारखंड में पाई जाती है, ये भी सही है। खस जनजाति जो है ना वो आपको अरुणाचल प्रदेश नहीं, ठीक है। टोडा जो है ना आपको कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल तमिलनाडु में पाई जाती है। ये जो खस जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश तरफ पाई जाने वाली जनजाति है, कहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। इसका सही उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपको खस जनजाति हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसलिए आपको ये गलत जोड़ी मिलाया हुआ है। तो टोडा जनजाति भी कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु सही है, बिरहोर झारखंड सही है, अंगामी नागालैंड सही है। आपको पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको खस ये जो अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित है ये गलत सुमेलित है, क्योंकि खस जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कुछ हमारे पास भाषाएं हैं, तो देखते हैं भाषा के बारे में कुछ हमने नोट्स तैयार किया है। उसके बाद आपको भाषा में सबसे ज्यादा हमारे भारत में जो है ना हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। उसके बाद जो है ना बांग्ला जो भाषा होता है, जो कि बांग्लादेशी भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले जो त्रिपुरा में रहने वाले लोग जो है ना बांग्ला भाषा बोलते हैं। मतलब हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो बंगाली है ये विश्व में छठे नंबर की भाषा है, विश्व में छठा नंबर पे जो है ना बंगाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो कुछ शास्त्रीय भाषा है हमारे देश में, टोटल जो है ना 6 शास्त्रीय भाषा है। कितने? 6 जो है ना आपको क्लासिकल लैंग्वेज है, 6 शास्त्रीय भाषा है। उन 6 शास्त्रीय भाषाओं में कौन कौन सा है, पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम और छठा ओडिया। तो इस तरह से 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनमें से ऐसे कुछ ऑप्शन दे देता है, 4 दे देगा ऑप्शन कि आपको कौन जो है ना शास्त्रीय भाषा नहीं है। एक तमिल दे देगा, एक मलयालम दे देगा, एक जो है ना संस्कृत दे देगा, एक हिंदी दे देगा। तो आपको कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, ठीक है। भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। इसको जो है ना शास्त्रीय भाषा भारत की सबसे पहली, आप लोग संस्कृत मत लगाइएगा, ठीक है। भारत की जो है ना पहली जो भाषा है शास्त्रीय वो कौन है, तमिल है, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बाद में संस्कृत को जो है ना 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को जो है ना 2006 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो बस हम लोग इतना ही जानेंगे कि 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें आपको पहला शास्त्रीय भाषा कौन है, तमिल है। बाकी के 6 शास्त्रीय भाषा का नाम याद होना चाहिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। सबसे पहले जो है ना आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा आपको तमिल को दिया जाता है, कब, वर्ष 2004 में, ठीक है। बाद में अगला साल 2005 में संस्कृत को जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, और इस तरह से लास्ट में जो है ना ओडिया को, ओडिया जो शास्त्रीय भाषा है वो सबसे अंतिम शास्त्रीय भाषा है, जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय भाषा कौन सी है, सॉरी, हिंदी के बाद कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी के बाद जो है ना भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, अभी हम लोगों ने देखा, जो कि विश्व में छठे नंबर पे आती है। विश्व में आपको ये भाषा बोली जाती है तो छठे नंबर पे आती है, बंगाली का 6th पोजिशन है पूरे विश्व में। हम लोग कुछ नदियों की बात करते हैं, तो नदी में आपको देखते हैं गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किधर से, पूर्ववर्ती अपवाह का है, गंगा नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। गंगा नदी किधर की ओर बहती है,
आपको ये उत्तराखंड से निकलती है और ये आपको उत्तर प्रदेश बिहार यूं होते हुए आपको जो है ना बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में आपको गिर जाती है। तो हमने देखा कि गंगा किधर की ओर बहने वाली नदी है, तो पूरब की ओर, ये इधर क्या है पूरब है, इधर क्या है आपको पश्चिम है ईस्ट वेस्ट, तो आपको जो है ना ये आपको पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, किधर की ओर बहने वाली नदी है पूर्व की ओर, तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है, इसका ड्रेनेज पूर्व की ओर है। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, सेम क्वेश्चन है कि आपको जैसे ही जो है ना बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा, तो उसको गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है ना इस डेल्टा का निर्माण कराया जाता है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो आपको सुंदरवन डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इस डेल्टा का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। तो आगे हमारा आज इतना ही, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप इसको देखते रहिएगा।